शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है नून कलम की और जो अहल कलम लिखते हैं उसकी कसम कि मोहम्मद के ए वा वसल्लम तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो और तुम्हारे लिए अज़र है और तुम्हारे अखलाक बड़े आली हैं सोअन करीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है तुम्हारा पर उसको भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं तो तुम झुटलाने वालों का कहा ना मानना ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नरम हो जाएं और किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कसमे खाने वाला जलील औकात है तान आमेज करने वाला चुगलियां लिए फिरने वाला माल में बुखल करने वाला हद से बड़ा हुआ बदकार सख्त और इसके अलावा बदसात इस सब से कि माल और बेटे रखता है जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं हम अन करीब उसकी नाक पर दाग लगाएंगे हमने उन लोगों की इसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाघ वालों की आजमाइश की थी जब उन्होंने कस्में खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम इसका मेवा तोड़ लेंगे और इंशाला न कहा सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो तो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज यहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे गोया खेती पर कादिर हैं जब बाग को देखा तो वीरान कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं नहीं बल्कि हम बरगश्ता वक्त बेनसीब हैं एक जो उनमें फरजाना था बोला क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्वीर क्यों नहीं करते तब वो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है बेशक हम ही कसूरवार थे फिर लगे एक दूसरे को रू दर रू मलामत करने कहने लगे हाय शामत हम ही हद से बढ़ गए थे उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बागिनायत करे हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू लाते हैं देखो अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब इससे कहीं बढ़कर है काश ये लोग जानते होते परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ नेमत के बाग हैं क्या हम फरमा बरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे तुम्हें क्या हो गया है कैसी तजवीजें करते हो क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमे ये पढ़ते हो की जो चीज़ तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी या तुमने हमसे कस्में ले रखी है जो कयामत के दिन तक चली जाएंगी कि जिस शय का तुम हुक्म करोगे वो तुम्हारे लिए हाजिर होगी उनसे पूछो कि उनमें से इसका कौन जिम्मा लेता है क्या इस कौल में उनके और भी शरीक हैं अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ला सामने करें जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो वो सजदा न कर सकेंगे उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि सही और सालिम थे तो मुझको इस कलाम के झुकलाने वालों से समझ लेने दो हम उनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक़ से पकड़ेंगे कि उनको खबर भी न होगी और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ मेरी तदबीर कवी है क्या तुम उनसे कुछ अजर मांगते हो कि उन पर तावान का बोझ पड़ रहा है या उनके पास गैब की खबर है कि उसे लिखे जाते हैं तो अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह न होना कि उन्होंने खुदा को पुकारा और वो गम गुस्से में भरे हुए थे अगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी उनकी यावरी न करती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते और उनका हाल अबतर हो जाता फिर ने उनको बरगुजीदा करके नेकुकारों में कर लिया और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यू लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फुसला देंगे और कहते हैं कि ये तो दीवाना है और लोगो ये कुरान अहले आलम के लिए नसीहत है